देखो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम पहला पॉइंट, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है। सेकंड क्या है, देखो इकोसिस्टम सिंपली क्या होता है, मान लो एक शेर है और वो जंगल में रहता है, तो शेर के लिए वो जंगल एक तरह का इकोसिस्टम है कि जंगल में रह के वो कैसा टेम्परेचर है जिसको सहेगा, ठीक है, कैसे कितनी लाइट वहां आती है, कैसा पानी है, कैसी मिट्टी है वहां की, तो ये सब होता है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम एक एक तरीके से एक जगह है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे शेर जंगल में रहता है तो शेर के लिए एक जंगल हो जाएगा एक इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो इकोसिस्टम अब कितने टाइप का हो सकता है, देखो सीधी बात है, या तो जमीन पे होगा यानी टेरेस्ट्रियल, या पानी में होगा यानी एक्वाटिक। अब नाम से ही पता लग रहा है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले, मतलब फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, और एक्वाटिक पानी वाले, नाम से ही पता लग रहा है, पोंड, लेक, रिवर, वेटलैंड, ठीक है। अब देखो मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड यानी खेत है, गेहूं का खेत है, चावल का खेत है, तो सीधी बात है खेत नेचुरली तो नहीं होते, उसको किसान बनाते हैं, तो मैन मेड है। एक्वारियम है, मान लो आपके घर में वो मछलियों वाला एक्वारियम रखा हुआ है, तो वो नेचुरल नहीं है, वो आपने खुद बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कौन से, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जहां पे याद करने वाली बातें आएंगी मैं खुद बताता चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी देखो सिंपल सा फ्लो है, बिल्कुल मेरी भावनाओं को समझना। देखो प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ी, प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ी और उन्होंने फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बनाया, सनलाइट का यूज करके प्लांट्स ने क्या बनाया, अपना खाना बनाया, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब प्लांट्स ने सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनाया उसको हम बोल रहे हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से प्लांट्स अपने लिए, खुद के लिए, मतलब उसके रेस्पिरेशन लॉस बोलो आप, रेस्पिरेशन के लिए ये एनर्जी यूज कर लेंगे जिसका नाम है आर, ठीक है। तो जीपीपी में से अगर आर निकल गई तो क्या बचेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम एक बार फिर से फ्लो करते हैं, प्लांट्स ने सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया उसको हम बोल रहे हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल कितना खाना बना। अब टोटल खाने में से आर जो खाना है वो प्लांट ने खा लिया, और जो नेक्स्ट एनिमल्स के खाने के लिए, कंज्यूमर्स के खाने के लिए बचा वो हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मान लो इस पौधे को खाया हिरण ने, एक डियर ने खाया, अब डियर को क्या मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब डियर के पास आ गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब डियर ने भी अपने लिए भी तो कुछ यूज करेगा, वो हिरण अपने लिए भी तो कुछ यूज करेगा। अब इस हिरण को अगर कोई शेर खाता है तो उसको एनपीपी में से भी माइनस होके कुछ मिलेगी जिसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन सी प्रोडक्टिविटी है, जो ऑर्गेनिक मैटर किसने, डियर ने यानी हिरण ने प्रोड्यूस किया, किसके लिए, जो उसको खाएगा, जो भी खाएगा, शेर खाएगा, लोमड़ी खाएगी, जो भी, अपने को क्या पता, जंगल में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो वोल बायोस्फेयर, पूरे बायोस्फेयर की कितनी है, 170 बिलियन टन्स, ठीक है। अब मजे की बात ये है, जो ओशियंस हैं अपने, ओशियन समुंदर, सागर, दरिया, जो भी बोल लो आप, ओशियंस का एरिया जो है ना, एरिया वो टोटल बायोस्फेयर का कितना है, 70% है, बट इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन है, मतलब 170 में से ओशियन की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 55, और एरिया कितने घेर रहे हैं, 70% घेर रहे हैं, मतलब एरिया ज्यादा ले रहे हैं और प्रोडक्टिविटी कम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये एक आपको फ्लो वैसे याद नहीं रखना, ये ऑटोमेटिक है ना, सिर्फ भावनाओं को समझना है। देखो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर मतलब जो इनिशियली प्रोड्यूस करेंगे, है ना, सनलाइट का यूज करके, फोटोसिंथेसिस का यूज करके जो ऑर्गेनिक मैटर यानी खाने को प्रोड्यूस करेंगे वो हो गए प्रोड्यूसर, प्लांट्स हो गए, ठीक है। अब प्लांट्स को जो एनिमल्स खाएंगे वो हो जाएंगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट्स को खाएंगे, है ना, और ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब इन्होंने पहली बार किसी को कंज्यूम किया, प्लांट्स ने किसी को कंज्यूम नहीं किया, उन्होंने अपना खाया, खुद बनाया, ठीक है। अब ये हो गया मान लो हर्बीवोर है, मान लो हिरण हो गया, डियर हो गया, अब जो डियर को खा लेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो डियर को खा लेगा। अब जिसने डियर को खाया, फॉर एग्जांपल मान लो, क्या एग्जांपल बताऊं, कुछ भी मान लो यार, मान लो भेड़िए ने खा लिया, लोमड़ी ने खा लिया, अब लोमड़ी को मान लो शेर खा लेता है, वो हो जाएगा टॉप कंज्यूमर। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की डिस्कवरी वाली बात है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। और टॉप कंज्यूमर में सिंपली मान लो लॉयन है, टॉप कंज्यूमर मान लो लॉयन है, शेर है, तो शेर को कोई भी नहीं खा सकता, टॉप कंज्यूमर नॉट किल्ड बाई अदर, उसको कोई भी नहीं खा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस मतलब जो एक तरीके से सिंपल शब्दों में बोलो तो जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो इसमें क्या आ जाएंगे, ऑल ऑटोट्रॉफ्स, मेनली ऑटोट्रॉफ्स में हमें पता है, ये कॉमन सेंस की बात है, क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, सोलर
एनर्जी, सोलर एनर्जी सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और खाना बनाएंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, देखो प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको कन्वर्टर्स भी बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स की ऑटोट्रॉफ्स के तीन नाम हमने कर लिए, एक प्रोड्यूसर्स, एक क्या है कन्वर्टर्स, एक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर क्यों है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये याद रखना कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लांकटन होते हैं वो मेजर ऑटोट्रॉफ है, मतलब मेजर एक तरीके से प्रोड्यूसर है। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लांकटन जो है वो मेजर ऑटोट्रॉफ है, मतलब प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर, अब कंज्यूमर दो टाइप के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर में आ जाएंगे मोस्टली अपने एनिमल्स, आ जाएंगे मोस्टली एनिमल, है ना, शेर, बिल्ली, चूहा, जो भी अपने एनिमल्स हैं, है ना, भेड़िया, लोमड़ी, जितने भी हैं। ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर में आ जाएंगे अपने डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में अपने मेनली क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये तरीके से। ठीक है, अब हम माइक्रो, देखो मैक्रो में तो इतना कोई डिटेल में करने वाली बात नहीं है, वही भी जंगल में जो भी बड़े बड़े जानवर होते हैं, छोटे छोटे जानवर भी, वो सारे इसमें आ जाएंगे। माइक्रो को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। माइक्रो कंज्यूमर में हमारे पास आएंगे डीकम्पोजर्स। ठीक है, देखो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जो डेड बॉडी होती है ना किसी की भी, प्रोड्यूसर्स की या कंज्यूमर्स की, जो भी डेड बॉडी है ना, कोई भी मान लो पेड़ बूढ़ा होके मर गया, या शेर बूढ़ा होके मर गया, है ना, या बाज बूढ़ा होके मर गया, कोई भी बूढ़ा होके मर गया, उसको डीकम्पोज कौन करेंगे, डीकम्पोजर्स करेंगे। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक मजे की बात याद रखना कि डीकम्पोजिशन जो होती है ना वो आउटसाइड दी बॉडी आती है। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं, हमने मान लो चिप्स खाए, समोसे खाए, तो वो हमारे अंदर डाइजेस्ट होते हैं, बट डीकम्पोजर क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर चीजों को एक तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो होता कैसे है, देखो मान लो ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी के ऊपर आगे बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करेंगे, डेड बॉडी के ऊपर एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे, है ना। अब ये एंजाइम क्या करेगा, डेड बॉडी को डीकम्पोज कर देगा, किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने पास बन के तैयार है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। और इसी चीज को, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अब्सॉर्ब करने की ये पावर है एक तरीके से, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफिक बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉफ। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो फूड चेन क्या होती है, देखो ये अपने ट्रॉफिक लेवल है, देखो सिंपल सी वही बात है, घूम फिर के, जो आपको पता ही ऑलरेडी है ना, डिस्कवरी पे सबने देखी है, प्रोड्यूसर जो खाना बनाएंगे, फिर उसको जो खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसको जो खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर इसको जो खा जाएंगे वो टॉप कंज्यूमर। ठीक है, और यहाँ पे 10% लॉ होता है एनर्जी का, मतलब इसके पास अगर मान लो 1000 एनर्जी है तो उसका 10% इसके पास जाएगी, उसका 10% इसके पास जाएगी, उसका 10% इसके पास जाएगी। ठीक है, अब फूड चेन के बारे में यहाँ कुछ बातें कर लेते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि यहां से एनर्जी इसके पास आ जाए, मतलब शेर से एनर्जी ट्री प्लांट्स के पास आ जाए इसका कोई रास्ता नहीं है, और सिर्फ यहां को एनर्जी जाएगी। ठीक है, ये कहना चाहता है। और क्या कहना चाहता है, शॉर्टर द फूड चेन ग्रेटर एनर्जी, सिंपल सी बात है, यहां से अगर ये फूड चेन छोटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, क्यों, ये भी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की, 10% सिर्फ 10% आगे मिलती जा रही है, तो जितनी लंबी फूड चेन होगी 10% के हिसाब से उतनी कम एनर्जी नीचे 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 होती जा रही है ना। अब डायरेक्ट बिल्कुल मान लो दो ही ट्रॉफिक लेवल हो तो सीधी बात है ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि डीकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन, है ना, डीकम्पोजर्स को यहां पे जगह नहीं दी गई, मतलब फॉर एग्जांपल टॉप कंज्यूमर अगर लॉयन है, शेर है, तो यहां पे शेर पे वो बात फूड चेन की खत्म हो जाएगी, आगे बात नहीं करेंगे हम कि शेर जब मर जाएगा तो उसको डीकम्पोज करेंगे तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, तो वो हम इसमें बात नहीं करते, शेर पे बस खाली खत्म है, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, वो बोल रहा है मेरे से आगे फूड चेन जानी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं एक फूड वेब की, है ना, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारी फूड चेन जब इंटरलिंक्ड हो जाए उसको बोलते हैं फूड वेब। वेब मतलब क्या होता है, एक जाल होता है, है ना, फूड चेन्स का एक तरीके से जाल बिछा हुआ है। देखो जाल, देखो ये देखो
फूड चेन क्या थी, सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन। और ये क्या, देखो प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खाया, अब यहाँ पे प्लांट को रैट ने भी खाया, रैट को भी ईगल ने खा लिया, ऐसे 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 पूरा जाल सा भी चलाएगा, है ना। इसको इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, कोई समझ नहीं आ रहा, पूरा जाल सा बिछ गया, ठीक है। अब फूड वेब, देखो फूड वेब की एक खास बात याद रखना कि जितनी ज़्यादा ये फूड वेब, ये जाल जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ज़्यादा ये परमानेंट होगा, उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, ठीक है। फूड चेन के बारे में हमने बातें याद रखी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, शॉर्टर जितनी छोटी होगी उतना ग्रेटर एनर्जी का फ्लो होगा, डीकम्पोजर इसमें इंक्लूड नहीं होते, और 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फूड वेब के बारे में हमने याद रखी, फूड चेन इंटरलिंक्ड जब होती है उसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। और जितनी ज़्यादा ये जाल जो है, ये वेब जो है कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ज़्यादा ये परमानेंट होगा, उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। अब हम करने वाले हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट की जब डेथ हो जाती है तो उसके लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, या जो भी कुछ है, या एनिमल की डेथ हो जाती है तो जो भी डेथ के बाद, एनिमल या प्लांट की डेथ के बाद जो भी सामान बचता है डीकम्पोजिशन के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या, डेट्राइटस बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, डीकंपोजिशन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। डेट्राइटस स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसको बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। लीचिंग में क्या होता है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोर्ट। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो डेट्राइटस होता है, बैक्टीरिया और फंगस, देखो डीकंपोजर क्या होते हैं, मेनली बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होती है, तो बैक्टीरिया और फंगस के जो एंजाइम है वो डेट्राइटस को क्या कर देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में एक तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या होती है, एक्यूमुलेशन होती है किसकी, ह्यूमस की। अब ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस, ठीक है। डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस क्या होता है, ह्यूमस होता है, और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब इस पे माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो पाती, बहुत हाईली रेजिस्टेंट है, ठीक है। सबसे लास्ट है मिनरलाइजेशन, देखो ये जो यहाँ पे ह्यूमस बना है, ह्यूमस बना है, ये फर्दर डिग्रेड हो जाएगा, ये जो यहाँ पे ह्यूमस बना था ये फर्दर डिग्रेड हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो अपने हैं वो रिलीज हो जाएंगे, है ना। अल्टीमेटली हमें क्या करना था, डीकम्पोजिशन में करना क्या था, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को तो रिलीज करवाना था ताकि वो आगे यूज हो सके। अब हम करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इसको एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो एक छोटा सा बच्चा है और उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है। एक बच्चा है और उसको डॉक्टर बनना है। देखो क्लाइमैक्स वर्ड याद करो, बोलते हैं ना मूवीज में कि क्लाइमैक्स में क्या था, क्लाइमैक्स मतलब एंड, है ना, मतलब अंत वाला सीन क्या था। तो इसको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बन के ये स्टेबल हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो डॉक्टर इसकी एक तरीके से क्लाइमैक्स वाली स्टेज है, है ना। इसी को बोलते हैं एक तरीके से इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये मैंने एक एग्जांपल देके बताया। अब इसको, इस एग्जांपल को आप फॉरेस्ट में लगा लो या एक्वाटिक इकोसिस्टम में लगा लो, है ना। मतलब फाइनल जैसे पहले ब्रायोफाइट्स थे, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर उस जगह पे जिम्नोस्पर्म भी आने लगे, फिर एनजीओ भी आने लगे, मतलब कुल मिला के ऐसे है कि इम्प्रूवमेंट हो के, इवोल्यूशन हा के एक क्लाइमैक्स स्टेज आ जाएगी, एक स्टेबल स्टेज आ जाएगी, है ना। जैसे चाइल्ड को डॉक्टर बनना था, तो डॉक्टर उसकी स्टेबल स्टेज है, अंत वाली स्टेज है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब शेयर क्या होता है, देखो शेयर क्या होता है, जैसे ये बच्चे को डॉक्टर बनना था तो ये सीधी सी बात है, पहले ये स्कूल में गया होगा, है ना, फिर इसने प्लस टू के एग्जाम दिए, फिर इसने नीट की कोचिंग ली होगी, है ना, इसने मॉक टेस्ट दिए होंगे, इसने नीट का पेपर दिया होगा, तो बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बहुत सारी स्टेजेस आते हैं जिसको बोलते हैं शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की, है ना। देखो अब नीट देने वाले बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फ्रेशर, एक होते हैं ड्रॉपर, ठीक है। नीट देने वाले बच्चे भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्रेशर, एक होते हैं ड्रॉपर। तो प्राइमरी सक्सेशन सिंपली है, जो भी देखो मान लो किसी जगह पे कभी कोई प्लांट नहीं आया, कभी भी कोई प्लांट नहीं उगाया गया, ठीक है, ना कभी उगा ना उगाया गया, और उसके पहली बार उस जमीन पे अगर कोई प्लांट उगे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, है ना। और सेकेंडरी में क्या होता है, ड्रॉपर मतलब पहले वो टेंशन ले चुका है, पहले वो प्लांट उगा चुका है, ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉरेस्ट है, है ना, एक फॉरेस्ट है, और वहां पे फॉरेस्ट में बाढ़ आ गई, या बोल लो कि वहां पे वोल्केनो इरप्शन हो गया, है ना, कुछ भी हो गया वहां पे, ऐसा कुछ लैंडस्लाइड हो गया, तो वहां पे कुछ नुकसान हो गया। अब बाद में जो सक्सेशन आएगा, है ना, मतलब सेकेंडरी मतलब दूसरी बार वहां पे प्लांट्स आएंगे, उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो
ये देखो, बेयर एरिया मतलब बिल्कुल बंजर जमीन है, बिल्कुल बंजर जमीन है, ठीक है। अब उस पे जो स्पीशी पहली बार आएंगी, पाइनर मतलब पहली बार, पाइनर मतलब पहली बार आएंगी, उनको बोल देंगे पाइनर स्पीशी, है ना। और एनसीईआरटी में लिखा भाई, एग्जाम्पल देके बताया हुआ है कि पहली बार, ये रॉक्स की बात कर रहे हैं हम, चट्टानों की बात कर रहे हैं कि लाइकन्स आती हैं। बेयर बिल्कुल बंजर चट्टानें थी, उनके ऊपर लाइकन्स आई। अब लाइकन्स एक तरीके से क्या है, एक तरीके से एसिड सिक्रीट करते हैं, वो एसिड सिक्रीट होगा तो क्या है, सोयल फॉर्मेशन होगी, मिट्टी की फॉर्मेशन होगी, है ना, मिट्टी की फॉर्मेशन होगी। फिर धीरे धीरे लाइकन्स, सीधी सी बात है वही फ्लो हम पकड़ रहे हैं कि लाइकन्स आए, फिर थोड़े बड़े प्लांट आने लगे, ब्रायोफाइट्स आने लगे, हाइयर प्लांट्स आने लगे। अब इन प्लांट्स में क्या है, सोयल को, मिट्टी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती गई, है ना। और धीरे 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 क्या है, फिर अपने वो ट्रीज आ जाएंगे, फॉरेस्ट बन जाएंगे, जंगल बन जाएंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब क्लाइमेक्स आ गया, जंगल बन गया, इससे आगे अब कुछ नहीं बन सकता, स्टेबल हो चुका है, ठीक है। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स की बात करें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइड्रा सक्सेशन एंड जीरार्क। देखो नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रा मतलब जो वेट एरिया, मतलब पानी वाले एरिया में जो सक्सेशन होगी, जीरार्क मतलब नाम से ही पता लग रहा है जो ड्राई एरिया में होगी, ठीक है। अब यहां मजे की बात है, चाहे पानी वाले एरिया में सक्सेशन हो या ड्राई यानी रेगिस्तान में सक्सेशन हो, दोनों किस तरफ जाएंगी, मीडियम वाटर कंडीशन। देखो ये है हाई वाटर कंडीशन, ये है लो वाटर कंडीशन, दोनों में जब सक्सेशन होगी तो किस तरफ जाएंगी, ये मीडियम वाटर कंडीशन की तरफ जाएंगी, मीडियम एवरेज की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये फ्लो अपने को याद रखना पड़ता है, सक्सेशन का, प्लांट्स का, ये फॉरेस्ट का दिया हुआ है, ये अपने को याद रखना पड़ता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी मैं सिंपल सी बताता हूँ, देखो ट्रिक बताता हूँ। हमारा सब्जेक्ट होता था एक एसएसटी, है ना, सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता था एसएसटी, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस सब्जेक्ट को प्रेफर करो, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रेफर करो। देखो प्रेफर एसएसटी, PRFR यानी प्रेफर SST, एक बार फिर से बोलता हूँ, PRFR यानी प्रेफर SST, ठीक है। P से फाइटोप्लांकटन, फिर रूटेड सबमर्ज, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प, फिर सेज को ही बोलते हैं मार्श मीडो, और ये स्क्रब, और ये ट्री बन जाएगा, ट्री से क्या है या फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन होता है एक तरीके से लेयरिंग, एक तरीके से लेयरिंग करती है ना, नीचे कौन, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, है ना, एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीके से लेयरिंग करती है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। वर्ड आते ही एक चीज़ याद रखनी है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म, ठीक है। देखो जैसे ट्री हैं, श्रब हैं, देखो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फॉरेस्ट की बात, ट्री सबसे टॉप में है, है ना, फिर उससे नीचे लेयर कौन सी आ जाएगी, श्रब वाली आ जाएगी, फिर उससे नीचे बिल्कुल छोटे छोटे आ जाएंगे, है ना। हाइट के बेस पे ले लो, ट्री सबसे ऊंचे दिखेंगे, फिर श्रब सेकंड पे थोड़े नीचे हैं, और ग्रास है, घास है, वो बिल्कुल जमीन पे है, बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे डेफिनेशन हम याद करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप की, है ना, उसके साथ ही एक याद करेंगे हम किसकी, स्टैंडिंग स्टेट की। एक स्टैंडिंग क्रॉप, एक स्टैंडिंग स्टेट, एक तरीके से इसको ऐसे याद रखो, स्टैंडिंग क्रॉप वर्ड आते ही मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और स्टैंडिंग स्टेट आते ही वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने ट्रिक बताई इनमें कन्फ्यूजन से बचने के लिए, स्टैंडिंग क्रॉप की बात आते ही वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वहाँ पे टोटल बायोमास कितना है लिविंग मटेरियल में, और स्टैंडिंग स्टेट आते ही वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब वो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देख रहे हैं कि कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल का दूसरा नाम होता है बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल। अब ये दो टाइप की हो सकती है, गैसियस या सेडिमेंट्री, गैसियस या सेडिमेंट्री। अब यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि गैसियस, गैसियस साइकिल में जो रिजर्वॉयर होता है वो एटमोसफेयर में होता है, सिंपल सी बात है, गैसेज हैं तो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कहाँ पर पाई जाती है, एटमोसफेयर में ही पाई जाती हैं। और सेडिमेंट्री नाम से ही पता लग रहा है, अर्थ क्रस्ट ना, सेडिमेंट्री का रिजर्वॉयर कहाँ पर होगा, अर्थ क्रस्ट में होगा। अब गैसियस के एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन है ना, ये है इनके। देखो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में होती है, कार्बन है जो CO2 एटमॉस्फेयर में CO2 से रेगुलेट होती है, ठीक है। सेडिमेंट्री में बात करें तो सेडिमेंट्री में आ जाएंगे फॉस्फोरस सल्फर, जो चट्टाने होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, उनमें फॉस्फोरस सल्फर ये हमें पता ही है होते हैं, यहाँ पे कुछ याद करने जैसा नहीं था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कार्बन साइकिल की बात। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया हुआ है मैंने पूरे हिट पॉइंट यहाँ पे पूरे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। पहली बात देखो, कार्बन 49% ऑफ ड्राई वेट कवर करता है, ठीक है, 49% ड्राई वेट है वो कार्बन कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, 71% कार्बन डिसॉल्व्ड इन ओशियन, ठीक है, जो
71% कार्बन है वो ओशियन में डिजोल्व है, इसीलिए इतनी सारी कार्बन ओशियन में है, इसीलिए ओशियन क्या हो गए, रिजर्वोयर ऑफ कार्बन बन गए। फॉसिल फ्यूल भी रिजर्वोयर होते हैं कार्बन के, ठीक है। नेक्स्ट है, ओशियनिक रिजर्वोयर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। देखो CO2 एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में होगी, अब उसको रेगुलेट कौन करता है उसकी अमाउंट को, ओशियनिक रिजर्वोयर क्यों करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है 71% कार्बन तो ओशियन में पड़ी है तो वही रेगुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल कार्बन का सिर्फ 1% है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4×10^13, ठीक है, इतनी केजी कार्बन फोटोसिंथेसिस से फिक्स की जाती है, ठीक है। देखो पूरे बायोस्फेयर में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो कार्बन फिक्स की जाती है उसकी अमाउंट कितनी है, इतनी अमाउंट है NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। डीकम्पोजर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू CO2 पूल, ठीक है, ये NCERT की लाइन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पूल है उसमें किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी होती है, कंपोजर की भी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सम कार्बन लॉस्ट टू सेडिमेंट्स रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन, है ना, कुछ कार्बन ऐसा है जो सेडिमेंट्स में लॉस हो जाएगा तो वो क्या है, जो भी साइकिल है कार्बन की उस सर्कुलेशन से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, है ना, ये हम याद रखना है, ये याद नहीं रखना वैसे ऑटोमेटिक है। देखो एडिशनल सोर्स मतलब एक्स्ट्रा CO2 जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, मतलब वो नेचुरली नहीं होनी थी, अब वो एडिशनल हो रही है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि फालतू में हो रही है, वेस्ट तरीके से, ना बर्निंग वुड, है ना, फॉरेस्ट फायर, कंबशन, फॉसिल फ्यूल, वोल्केनो एक्टिविटी, ये नॉर्मल नहीं होनी थी बट ये गलती से हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, उस वजह से एडिशनल सोर्स एटमॉस्फेयर में ऐड हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, ये NCERT में देवा। देखो फॉस्फोरस साइकिल मतलब कुल मिला के अपने को फॉस्फोरस को घुमाना है। देखो यहां पे प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स के पास क्या है, फॉस्फोरस है। अब प्लांट्स को कौन खा लेंगे, कंज्यूमर यानी एनिमल्स खा लेंगे, तो वो फॉस्फोरस कंज्यूमर्स के पास चली गई, ठीक है। अब देखो, अब जो एनिमल है उनकी भी कभी ना कभी डेथ होगी और प्लांट्स है उनकी भी कभी ना कभी डेथ होगी, तो ये भी डेट्राइटस बनेंगे, ये भी डेट्राइटस बनेंगे, मतलब फॉस्फोरस अब यहां आ गई। अब डेट्राइटस हमने किया था किस पे, डीकम्पोजिशन में, कि इनकी डीकम्पोजिशन होगी तो क्या है, सारा फॉस्फोरस सॉयल सोल्यूशन में आ गया डीकम्पोजिशन के बाद, ठीक है। अब सॉयल सोल्यूशन से प्लांट, अब देखो प्लांट कहां से लेते हैं, जो भी प्लांट को लेना है सल्फर लेना है, कैल्शियम लेना है, फॉस्फोरस लेना है, कहां से लेंगे, सोयल सॉल्यूशन से लेंगे, तो सोयल सॉल्यूशन से ये फिर से यहां पे चला गया प्लांट के पास फॉस्फोरस, ठीक है। अब यहां पे सोयल सॉल्यूशन में और भी फॉस्फोरस ऐड होता है, कहां से, रॉक मिनरल से, है ना, रॉक्स में मेनली फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से भी यहां पे ऐड हो रहा है, और ये रन ऑफ मतलब जो सर्कुलेशन से थोड़ा बहुत बाहर चला जाता है ना, सर्कुलेशन से आउट हो जाता है। अब हम करने वाले हैं पिरामिड्स, ठीक है। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर सिंपली रिप्रोडक्शन को शो करेगा, बायोटिक पोटेंशियल को शो करेगा, जो जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर रहा है उसके उतने ज़्यादा क्या है, नंबर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, बिल्कुल भी इसको याद नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल ले लो ये ग्रास है, तो ग्रास का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। अब घास को खाने वाले मान लो कुछ भी, मान लो हिरण है, मान लो डियर हैं, तो उनका नंबर फिर थोड़ा कम हो जाएगा। अब डियर को खाने वाले कौन होते हैं, लॉयन होते हैं, शेर होते हैं, तो उनका नंबर और कम हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बात की गई है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की, ठीक है। बायोमास मतलब कुल मिला के हमें यहां वजन देखना है, वेट किसका ज्यादा होगा, तो प्लांट्स देखो सबसे नीचे आएंगे, प्रोड्यूसर यहां पर प्लांट्स हैं तो उनका वेट सबसे ज्यादा। अब प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल है उसका वेट उससे कम, फिर उनको खाने वाले उनका कम, टॉप कंज्यूमर उससे कम, ठीक है। मान लो टॉप कंज्यूमर लॉयन है, शेर है, तो उनका टोटल बायोमास होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करें, एक्वाटिक कंडीशन में बात करें, तो इधर ये इन्वर्टेड आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है, सीधा है बिल्कुल, सबसे ज्यादा फिर उससे कम, पर ये उल्टा आ रहा है ना, ये अपने को याद रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक्वाटिक सिस्टम में, देखो एक्वाटिक सिस्टम में ये उल्टा आ रहा है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब लास्ट में बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी की, ये तो सबसे आसान है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। देखो प्लांट्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी है, तो उसकी 10% जाएगी हर्बीवोर्स के पास, ठीक है, उसकी 10% जाएगी आगे, उसकी 10% आ जाएगी आगे, तो सीधी बात है, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विस, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इकोसिस्टम मतलब कुल मिला के हम नेचर से, कुदरत से जो सर्विस ले रहे हैं, हम उसकी एक तरीके से तारीफ कर रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पे उसके प्राइस टैग लगा लिया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टाना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकोसिस्टम जो भी, मतलब कुल मिला के वही बात है, घूम फिर के हम नेचर से जो भी कुछ ले रहे हैं उन्होंने उस पर प्राइस टैग लगा दिया, है ना, कितना लगा दिया कि पर ईयर एक साल में कितना 33
ट्रिलियन डॉलर, 33 ट्रिलियन US डॉलर की, इतना एक साल का अमाउंट है जो भी हम नेचर से ले रहे हैं ना। और टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो सोयल फॉर्मेशन के लिए 50, देखो ये टोटल कॉस्ट थी, इसमें से 50% जो कॉस्ट रखी उन्होंने इसके लिए सोयल फॉर्मेशन के लिए, लेस देन 10% न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड रिक्रिएशन के लिए, और 6% किसके लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना यहां पे होता है खत्म। थैंक यू, बाय।